भारत रत्न मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर को भी चोरों ने नहीं बख्शा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के वाराणसी स्थित घर से चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने जहमामा इलाके में स्थित बंद पड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने चार चांदी की शहनाई, एक सोने का कंगन और एक लकड़ी की कीमतें शहनाई पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान देश के ऐसे महारत्न थे जिनका नाम लेते ही माहौल सुरमई होने लग जाता है, जिनकी शहनाई की गूंज से लोग सुरों की दुनिया में खोने लग जाते हैं। उनकी इस कला से हर शख्स को इतनी दीवानगी थी कि एक बार उनकी शहनाई को सामने बैठकर सुनने की ख्वाहिश जरूर रखता था। लेकिन चोरों ने उनकी इसी बेशकीमती साज पर अपनी तिरछी निगाह डाल दी। दरअसल भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पांच चांदी की शहनाई पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। उसमें उस्ताद की वो शहनाई भी शामिल है जिससे वो मुहर्रम की पांचवी और सातवीं तारीख पर आंसुओं का नजराना पेश करते थे। इतना ही नहीं, चोरों ने पुरस्कार के रूप में मिली चांदी की कई तश्तरियां और लाखों रुपए के जेवरात भी चुरा लिए। अब ये हाल देख करके हमारे हालत, हम तो यहाँ बात हो, हमको बेहोश हो जाते हैं। नहीं, अपने आप को संभाला, ऐसे ही छोड़ करके हम चले गए अपने वहाँ घर पे। अपनी वाइफ को बुलाया कि ऐसी ऐसी चीज हो गई है, लिहाजा तुम चलो घर पे, हम जा रहे थाने पे। थाने पर अपने दोस्तों को लेकर के थाने पर जब गए तो वहाँ हमारी FIR हुई। फिर रात में थाना इंचार्ज पूरी टीम आई थी, 40 आदमी की। बेटे काजिम हुसैन को जैसे ही इसका इल्म हुआ कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरोहर चोरी हो गई है तो वो फूट फूट कर रो पड़े। थाने में रो रो कर घटना की पूरी जानकारी दी। समझ लीजिए, हमारे हार्ट नहीं अटैक हुआ, हमको पूरी गत हमारी हो गई। हम बहुत संभाला, रात में इंस्पेक्टर साहब ने भी आके अपने आप को संभाल कर रखी। हम लोग ढूंढेंगे और निकाल के रहेंगे। काजिम ने बताया कि वो पूरे परिवार के साथ 30 नवंबर को हड़हा सराय के पुराने मकान में गए थे। शनिवार रात करीब 9 बजे लौट कर घर आए तो घर की कुंडी टूटी हुई मिली। अंदर घर में सारा सामान बिखरा हुआ था। घर के अंदर का नजारा देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। चोरों ने घर के दीवान में रखी चांदी की शहनाई व घर की महिलाओं के जेवरात सहित लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने इस घटना की सूचना सपा MLA शत्रुचंद प्रकाश को दी। शत्रुचंद ने SSP नितिन तिवारी से मुकदमा दर्ज कराने को कहा। SSP ने तत्काल चौक इंस्पेक्टर को कार्रवाई का निर्देश दिया। 30 नवंबर को अपने घर में इसमें ताला बंद करके चले गए थे अपने पुराने मकान जहां हमारे पिताजी रहते थे। 30 नवंबर के बाद हम आए नहीं इधर। कल रात हम आए 8:30 बजे तो देखे गेट का खुला हुआ है और जब अंदर घुस रहे हैं तो सब सामान हमारा बिखरा हुआ था। हमारी उसमें चार चांदी की शहनाई थी, एक वाली साहब की पर्सनल शहनाई थी जो बजाते थे उसको मुहर्रम में, वो भी गायब है। और एक एनायत खां अवार्ड जिसको विलायत खां साहब ने दिया था वो भी चांदी का था, वो भी गायब। काजिम ने बताया कि चोर उस्ताद की खास शहनाई भी उठा कर ले गए जिसे वो सिर्फ मुहर्रम की पांचवी और सातवीं तारीख को विशेष रूप से निकालते थे। इसी से वो आंसुओं का नजराना पेश भी किया करते थे। इसके अलावा चार शहनाइयां चांदी की थी जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, लालू प्रसाद यादव और उस्ताद के शिष्य भार्गव वर्मा ने एक एक शहनाई तोहफे में दी थी। एक शहनाई इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे नरसिंह राव ने दिया था, एक शहनाई कपिल सिब्बल साहब ने दिया था, एक शहनाई लालू प्रसाद ने दिया था, एक शहनाई उनके शागिर्द शैलेश भागवत बॉम्बे में थाना में रहते हैं उन्होंने दिया था पिताजी को, और एक उनकी मुहर्रम के बजाने वाली शहनाई थी।
चोरों की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस खां साहब के घर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस को रात को करीबन 12:30 बजे संज्ञान में लाया गया कि कुछ शहनाई, उस समय बताया गया था 3 शहनाई, अभी कुछ और तथ्य भी इन लोगों के द्वारा बताए गए हैं, तो ये चोरी होने की सूचना पुलिस को बताई गई थी और ये भी बताया गया कि वो लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो इस पर जो संबंधित अधिकारी लोग हैं उनको मैंने बोला कि तत्काल इसको अटेंड करें, मौके पर जाएं। अभी फील्ड यूनिट्स और अन्य सभी जो टीमें हैं वो भी स्पॉट पर जाके मुआयना करेंगी, मौका मुआयना करेंगी, जो एविडेंस है उसको इंक्लूज करेंगी और लेट्स सी व्हाट द इन्वेस्टिगेशन रिवील्स। चोरी की घटना से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि आखिर खां साहब की धरोहर पर किसने हाथ साफ किया। इससे पहले 2009 और 2014 में भी उस्ताद की शहनाई चोरी होने पर खूब हो हल्ला मचा था, लेकिन कुछ दिन बाद शहनाई परिवार में ही निकल आई थी। उस्ताद बिस्मिल्ला खां देश के मशहूर शहनाई वादक थे। उन्हें साल 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। साल 2006 में उनका देहांत हो गया था। वो बिहार के डुमराव जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बिताया। वो एक मुसलमान परिवार से थे, लेकिन देवी सरस्वती के उपासक थे और गंगा किनारे बैठकर रियाज किया करते थे। नेशनल वॉइस के लिए वाराणसी से विकास गौर की रिपोर्ट।